आजाद के ये इस बार क्लैरिटी दी जा रही है, हतमी है, देयर नो ऑप्शंस आफ्टर दैट, मगर पहले मालूम नहीं था, वो कह देते थे, मगर इस बार इलामिया में कहा गया है सबको पता है आपने क्या करना है। क्या मतलब? बहुत शुक्रिया मेहर। मेहर कैच 22 सिचुएशन है तहरीक इंसाफ के लिए। अगर ये नहीं कहते कि हतमी है और फाइनल हमारा मार्च होगा, एहतजाज होगा, धरना होगा, तो शायद लोग उतनी बड़ी तादाद में ना निकले, उनको ये लगेगा कि ये वन ऑफ एहतजाज है। लेकिन अब अगर ये कह रहे हैं कि ये फाइनल एहतजाज है और आखिरी दम तक हम बैठे रहेंगे जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते, तो फिर एक खदशा है कि अगर ये नाकाम होता है एहतजाज, जिसके बहुत हद तक चांसेस हैं, क्योंकि आपको पता है हुकूमत की तैयारी भी कैसी होती है अब, जिसमें क्रैक डाउन है, लोगों को उठा रहा है, FIR, कंटेनर से पूरा शहर जाम कर देना, तो नाकामी की सूरत में फिर आगे का क्या लायमल होगा तहरीक इंसाफ का? क्योंकि आप तो कह के निकल रहे हैं कि आखिरी एहतजाज है, तो मेरे ख्याल से कैच 22 सिचुएशन में ये फंसी हुई है तहरीक इंसाफ इस वक्त। और जो एक मुझे इसका रीजन इस वक्त ये नजर आता है, वो शायद इमरान खान साहब की अब एक डेस्परेशन भी होगी। इलेक्शन के बाद एक तवक्को थी कि शायद जो माहौल है उसमें उनको कामयाबी हासिल हो, लेकिन एक के बाद एक कभी कानून साजी करके, कभी आईन साजी करके हुकूमत अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करती गई है। और अब एक सुप्रीम कोर्ट है जिसमें आईनी बेंच अलग है, जिसमें एक गैर आईनी या फिर एक आम बेंच अलग है, उसकी इफेक्टिवनेस को खत्म कर दिया है 26वीं तरमीम के बाद। एक जो तहरीक इंसाफ के जहन में बात हो सकती है वो ये है कि 2025 का वो साल हो सकता है कि जब शायद मुद्दत मुलाजमत आर्मी चीफ की और दूसरी सर्विस चीफ की मुकम्मल हो रही होगी, तो वहां पर शायद हमारे लिए कोई गेम बने, हम निगोशिएट कर सकें, जैसे जनरल बाजवा साहब और नवाज शरीफ ने किया था 2019 में। वो ऑप्शन भी अब हाथ से चला गया, क्योंकि 2027 तक तो तमाम सर्विस चीफ को मुद्दत मुलाजमत में उनकी तौसी हो गई है। तो मेरे ख्याल से अब एक डेस्परेशन भी है इमरान खान साहब की तरफ से, जो निकलना चाहेंगे बाहर जेल से, वरना तो कोई और तो तरीका नजर नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल से इसलिए वो पुश कर रहे हैं कि हतमी और आखिरी कॉल हो और तमाम लोग निकले। जिस जो मिसालें दे रहे हैं शहजाद काशिद, 2014 में बड़े साहब इमरान खान के साथ थे और फिर 2017 में पाकिस्तान बंद करने की बात इमरान खान ने खुद की थी। डू यू थिंक आफ्टर सो मच ऑफ अ क्रैक डाउन और द रेट और द रूथलेसनेस विच दे बोस्ट अबाउट और जो हमने अमली तौर पर देखी भी है, विदाउट इमरान खान तहरीक इंसाफ मुल्क को चोक कर सकती है? देखिए 2014 और 17 के मुकाबले में पीटीआई ज्यादा बड़ी हो चुकी है, ज्यादा पॉपुलर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, उस वक्त उनको सपोर्ट हासिल थी, मुक्तदरा उनके साथ थी, अब नहीं है, अब उनके खिलाफ है, तो ऑब्वियसली जो क्रैकडाउन होगा उसमें उतना बड़ा क्राउड मुझे तो होता हुआ नहीं नजर आ रहा है इकट्ठा। अभी जो रिसेंटली इन्होंने जलसे किए ना, उसमें वो नजर आया, और जो लोग इस्लामाबाद की तरफ आए भी वो भी खैर पख्तूनख्वा से आए थे, पंजाब से तो कोई निकलता ही नहीं है। और हमाद अज़हर साहब मेरे ख्याल से 2-3 तकारीर में कह चुके हैं कि मैं खुद लीड करूंगा, वो लीड करते हुए आज तक नजर नहीं आए, कहीं जलसा होता है आते हैं तकरीर करते हैं चले जाते हैं, तो वहां से वहां तो बिल्कुल लग रहा है कि पंजाब तो लीडरलेस है। दूसरा जो 8 फरवरी की एक मिसाल दी जाती है, देखिए 8 फरवरी को वोट करने जब आप निकलते हैं तो आप चाहते हैं कि मैं वोट कास्ट करूं और एक प्रोसेस के जरिए मैं तब्दीली लेकर आऊं, लेकिन अगर आपने धरना देना है तो इसका मतलब आपने अपनी नौकरी को दाव पे लगाकर आपने अपने आप के खिलाफ तैयार होना है मेंटली कि मेरे खिलाफ FIR हो सकती है, मुझे प्रिजन में डाल सकते हैं, फिर आप धरना देने आते हैं, तो वो एक आम आदमी का काम नहीं होता। वोट आम आदमी भी डालता है, धरना नॉर्मली आपके जो वर्कर्स होते हैं या कोई बहुत हार्डकोर सपोर्टर्स होते हैं वही दे सकते हैं। 126 दिन के धरने के बाद भी हमने देखा हुकूमत तो नहीं गिरी। हाँ, ये आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि PMLN कमजोर हो गई, तहरीक इंसाफ को जो है उसमें पजीराई मिली और वो ताकतवर भी, तो इस धरने पिछले आप देखें रिसेंट पास में जितने भी हुए हुकूमतों को कमजोर करने में, उनको डिस्टर्ब करने में, इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने में तो मौसर साबित होते हैं, लेकिन जो मुतालबात के साथ तहरीक इंसाफ जा रही है, आपको ये लग रहा है शहजाद कि ये नहीं नजर आ रहे आपको मुतालबात पूरे होते हुए, यानी कि वो वाला मुश्किल लग रहा है? इट विल बी वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी अगर इतना बड़ा क्राउड वो इकट्ठा कर ले जो वो क्लेम कर रहे हैं। मुझे गिव मी अ चांस, ये शहजाद, ये रऊफ हसन कह रहे हैं कि शहर बंद करेंगे, साहबजादा हामिद रजा लॉन्ग मार्च का कह रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी पीटीआई के एक सीनियर लीडर से, वो धरने का कह रहे हैं इस्लामाबाद में, इज दिस स्टिल नो क्लैरिटी और आर दे जस्ट ब्लफिंग एवरीवन? अच्छा मेहर, एक तो अल्लाह ना करे बांग्लादेश की तरफ से एहतजाज, उसमें 400 बंदा जो है वहां पर मारा गया था, तो वो एहतजाज तो इस किस्म के होने नहीं चाहिए जिसमें किसी का जानी नुकसान हो। दूसरा, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही है कि हर जो रहनुमा है वो अपनी बात कर रहा है, इसका मतलब अभी तक कोई क्लियर प्लान नहीं। मेरी आज फैसल चौधरी साहब से शाम को जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब बड़े अपबीट हैं, बड़े पुरएतमाद हैं और उनके जहन में कोई फॉर्मूला है, लेकिन वो फॉर्मूला मुझे लगता है अब तक ट्रांसलेट नहीं हुआ है क्या तक, इसलिए वो अपनी बातें कर रहे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है। अच्छा, अगर ये शहर बंद करने वाली भी बात है तो सवाल ये होता है कि चले उसके लिए आपको लोग ज्यादा नहीं चाहिए, बट आपको कितनी देर तक सस्टेन कर पाएंगे? 9 मई को जो हुआ वो 10 मई तक जारी रहा, 11 मई को खत्म हो गया, तो क्या 4-5-6 हफ्ता 10 दिन आप अपने मुतालबात मनवाने के लिए उस किस्म का एहतजाज सस्टेन कर पाएंगे?
मुझे नहीं लगता कि खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ उनकी अपनी पुलिस है उसके अलावा वो कहीं पे भी पॉसिबल होगा, तो अपने ही सूबे को नुकसान पहुंचा के तो कोई फायदा नहीं होगा। पंजाब में आपने कराची का जिक्र किया या इस्लामाबाद के अतराफ में, मुझे नहीं लगता कि कोई दिनों तक तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी, जलाओ घेराव करती रहेगी, या ना होना चाहिए ना मुझे लगता है उनको करने की इजाजत होगी।